तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम इसको बात करेंगे कि कैसे जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे दो तरीके की सप्लाई होती है, एक होती है इंटरस्टेट सप्लाई और एक होती है इंट्रास्टेट। प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता कर सके कि जीएसटी कहाँ लगाना है, कौन से स्टेट पर लगाना है। आपको पता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी, तो डेस्टिनेशन जहाँ पर है गुड्स का या सर्विस का, उस वाले स्टेट को जीएसटी पे करना होगा ना। तो ऐसे केस में जीएसटी को डिसाइड कैसे करें कि सप्लाई कहाँ हुई है, हमें कैसे पता चलेगा, उसी का टॉपिक है पूरा। तभी तो हमें समझ सकते हैं ना कि कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो देखिए, दो तरह की सप्लाई होती है, इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब ये है जहाँ पर सप्लायर की लोकेशन, जो सामान बेच रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ सामान बेचा जा रहा है। सप्लायर की लोकेशन जहाँ है और सामान जहाँ बेचा जा रहा है वो एक स्टेट में नहीं है या एक ही यूनियन टेरिटरी में नहीं है, उसको बोलते हैं। मतलब कि मैं अगर दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे सामान बेचना है दिल्ली के अंदर ही, ठीक है, तो मैं अगर दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली के अंदर ही सामान बेच रहा हूँ तो वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि मैं सामान बेच रहा हूँ यूपी में, तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ लेकिन सामान यूपी में बेच रहा हूँ, तो सेम स्टेट नहीं है। जहाँ सामान बेचा जा रहा है वो अलग स्टेट है, मैं अलग स्टेट में हूँ, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगी फिर। और इंट्रास्टेट तो बिल्कुल उल्टा हो गया, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लाई, जहाँ मैं रहने वाला हूँ और जहाँ सामान बेच रहा हूँ वो एक ही स्टेट में है या एक ही यूनियन टेरिटरी में है, तो वो फिर इंट्रास्टेट बन जाएगा, ठीक है। सप्लायर और सप्लायर जहाँ भेज रहा है, सप्लायर जहाँ भेज रहा है वो एक ही स्टेट में, तो इंट्रा है, अगर स्टेट के बाहर है तो इंटर है। लेकिन अब ये डिसाइड कैसे करें कि लोकेशन कैसे निकाली जाती है, सप्लायर की लोकेशन कहाँ है, अब उसका सेक्शन बने हुए कैसे निकालें, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालें, अब उसकी डिटेल में बात करते हैं। अब थोड़ा सा सेक्शन के थ्रू हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है, ये हम बात करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू अगर हुए गुड सप्लाई उसकी बात नहीं कर रहे, उसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है अगर ये केस को छोड़ दें। तो उसके लिए हमारा सेक्शन 10 आईजीएसटी एक्ट 2017 का बना हुआ है, वो मैं बता रखा है। देखो, सबसे पहले सेक्शन 10 1 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, उसमें क्या बता रखा है, पहले हम चेक करेंगे कि गुड्स किस नेचर का है और फिर हम बताएंगे कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले हम गुड्स किस नेचर का है पहले वो बताएंगे, फिर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। तो एक एक करके बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि क्या बात हो रही है। पहला, सबसे पहला कह रहा है कि अगर गुड्स मूव होते हैं, मूवमेंट होती है गुड्स की, चाहे सप्लायर के थ्रू, चाहे रिसिप्टेंट के थ्रू, चाहे किसी भी पर्सन के थ्रू, मतलब कि गुड्स को मूव कराना पड़ेगा, मुझे अगर गुड्स भेजने किसी को तो मुझे यहाँ से किसी को और को भेजना होगा, तो गुड्स पड़े पड़े अपने आप नहीं कोई दे देगा, मुझे मूव कराना पड़ेगा गुड्स को, यहाँ से कहीं और भेजना पड़ेगा, चाहे सप्लायर खुद भेजेगा, चाहे रिसिप्टेंट कहेगा भेजने के लिए, रिसिप्टेंट खुद ले जा रहा है, चाहे किसी भी पर्सन को कह दिया कि वो मेरा गुड्स ले जाए। कहने का मतलब गुड्स मूव होना चाहिए, उस समय कैसे लोकेशन निकाली जाए। तो हमें कैसे निकालना है कि लोकेशन ऑफ गुड्स जहाँ पर गुड्स डिलीवरी में आने वाला है, डिलीवरी के लिए निकला, जहाँ से गुड्स डिलीवरी के लिए निकला वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। देखो क्या लिखा हुआ है, लोकेशन ऑफ गुड्स एट विच मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट फॉर डिलीवरी, जहाँ पर गुड डिलीवरी के लिए निकला। जैसे कि मान लो यूपी से गुड्स निकला झारखंड में, तो यूपी से निकला है ना, तो यूपी में प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया यूपी का, तो यूपी में टैक्स लगेगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगर गुड्स थर्ड पर्सन के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे, मतलब कि गुड्स को रिसिप्टेंट के थ्रू रिसिप्टेंट भेजना है, लेकिन पहले थर्ड पर्सन को भेजना है, थर्ड पर्सन उठाएगा वो रिसिप्टेंट को देगा, थर्ड पर्सन चाहे एजेंट की तरह एक्ट करे, चाहे थर्ड पर्सन गुड्स को ट्रांसफ़र करने का काम करे, कुछ भी थर्ड पर्सन एक्ट कर सकता है रिसिप्टेंट के लिए, लेकिन कहने का मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू ही गुड्स भिजवाया जाएगा, ठीक है। तो
थर्ड पर्सन के तो भिजवाया जाएगा, तो कैसे निकालते लोकेशन? थर्ड पर्सन का जहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस होगा, जहाँ थर्ड पर्सन का रहने वाला है, जहाँ पर थर्ड पर्सन काम करता है वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा उसका, क्योंकि थर्ड पर्सन के थ्रू भिजवाना है गुड्स, तो रिसिप्टेंट ही देखा जाएगा रिसिप्टेंट कहाँ रहने वाला है। मान लो कि मुझे गुड्स यूपी से पहले महाराष्ट्र भेजना है, फिर महाराष्ट्र से जाएगा चंडीगढ़, थर्ड पर्सन महाराष्ट्र में। अब मैं सप्लायर हूँ तो मुझे नहीं पता रिसिप्टेंट कहाँ है, मुझे रिसिप्टेंट ने कहा कि आप थर्ड पर्सन को दे दो, तो मैं तो महाराष्ट्र भेजूँगा ना। अब महाराष्ट्र से कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, तो महाराष्ट्र में ही टैक्स लगेगा क्योंकि महाराष्ट्र में ही थर्ड पर्सन रहता है, प्रिंसिपल प्लेस कौन है। अगला सी सेक्शन का कह रहा है कि अगर गुड्स मूव नहीं होते, मतलब कहीं नहीं भिजवाना इधर से उधर, गुड्स सिंपली आएगा बंदा दुकान पे और ले जाएगा, कहीं नहीं जा रहा, तो अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो सिंपल लोकेशन जहाँ देख लो, जहाँ पर गुड्स डिलीवरी जहाँ पर हो रही है गुड्स की, जहाँ रिसिप्टेंट को डिलीवरी हम कर रहे हैं गुड्स की वही, क्योंकि मूव तो नहीं रहा गुड्स, तो जहाँ डिलीवरी कर रहे हैं गुड्स को पकड़ा रहे हैं वही फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो लोकेशन ऑफ सर्च गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के वक्त जहाँ पर गुड्स है रिसिप्टेंट के लिए डिलीवरी के वक्त, वही लोकेशन ऑफ सप्लाई है। अगला, अगर गुड्स असेंबल किए जाते हैं, मान लो कोई मोटर व्हीकल बना रहे हैं, पहले गुड्स को असेंबल करना है एक जगह पे या इंस्टॉल करना है फिर भेजना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पर निकाला जाएगा जहाँ पर वो असेंबल हो गए या फिर जहाँ पर इंस्टॉलेशन होगा, जिस जगह पे वो गुड्स इंस्टॉलेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। रिसिप्टेंट कहाँ रहने वाला है मुझे नहीं पता, ठीक है। और अगला कह रहा है अगर गुड्स बोर्ड किए जाते हैं, मतलब कहीं पर कन्वेंस, मान लो कोई कन्वेंस के थ्रू भिजवाना है, ट्रेन के थ्रू भिजवाना है, वैसल के थ्रू भिजवाना है, मोटर व्हीकल के थ्रू भिजवाना है, तो फिर वो गुड्स की लोकेशन कैसे देखी जाएगी? जहाँ वहाँ देखी जाएगी जहाँ पर गुड्स को बोर्ड किया गया है। मतलब कि मान लो गुड्स मुझे तेलंगाना भिजवाने हैं, ठीक है, मैं पहले दिल्ली गया, दिल्ली में वो गुड्स ट्रेन पे भिजवाए, दिल्ली से जा रहा है, भले मैं रहने वाला हूँ यूपी का बट दिल्ली से जा रहा है ट्रेन के थ्रू, तो दिल्ली में ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, बोर्ड कहाँ हो रहा है गुड्स, दिल्ली में, समझ गए। चलिए बात करते हैं कि जब प्लेस ऑफ सप्लाई अब नहीं निकाल पा रहे तो फिर क्या तरीका है, बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 वाला जो हमने पढ़ा ABCDE वाला, उसमें से डिटरमाइन नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट जैसा कहेगी फिर वैसा ही डिटरमाइन होगा, जैसा कि प्रिस्क्राइब करेगी वैसा हमें मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो हमने छोड़ दिया था, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले की सेक्शन 11 बात कर रखी है। अगर इम्पोर्ट की बात करें सेक्शन 11A, अगर इम्पोर्ट इंडिया में हुआ, बाहर से सामान इंडिया में आया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या देखा जाएगा, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर, जहाँ इम्पोर्टर है, जिसने इंडिया में जो बैठा है, जिसने इम्पोर्ट करवाया वो किस स्टेट में बैठा है, उसके हिसाब से फिर प्लेस ऑफ सप्लाई देखा जाएगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। बाहर से इम्पोर्ट करा वहाँ नहीं देखा जाएगा, इंडिया में, क्योंकि हमें तो इंडिया में टैक्स लगाना है ना उसको, लेकिन अगर एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से तो फिर इंडिया की लोकेशन नहीं देखी जाएगी, तो फिर लोकेशन आउटसाइड इंडिया, जहाँ पर जिस कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी कि एक्सपोर्ट करते हुए आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इम्पोर्ट करते हुए लगेगा, और इम्पोर्ट करते हुए आपको बता दूँ कि IGST लगता है, क्योंकि आप ये एक तरह की इंटरस्टेट सप्लाई है, आप स्टेट के बाहर से नहीं देश के बाहर से मंगा रहे हो, है तो बाहर ही, तो ये IGST लगता है, ठीक है, जब इंटरस्टेट सप्लाई होती है IGST, इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं, लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो बाहर, हम कह दिया हमने प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर मान लिया, तो बाहर के बंदों पर टैक्स लगेगा, हम इंडिया के बंदों पर लगेगा नहीं, ठीक है। अब सर्विस की बात करते हैं, ये गुड्स की बात करी, सर्विस के केस में कैसे निकालते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहाँ पर सप्लायर की लोकेशन और रिसिप्टेंट की लोकेशन इंडिया के अंदर ही है, तो सेक्शन 12 IGST एक्ट में बता रखा है क्या है। सबसे पहले सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में क्या बता रखा है, पहले नेचर ऑफ सप्लाई की सर्विस की बात करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई वही चीज़, इसमें आती है सारी सर्विसेज सिर्फ इसके अगली वाली सर्विस को छोड़ के, मतलब कि इसमें वो सर्विस है कि जो आगे बता रखी है सर्विस 14 सेक्शन है, सब सेक्शन 14 तक है, 12 से स्टार्ट कर रहे हैं, जितनी भी आगे सर्विस बता रखी है,
वो सब हटा दो, जो बची वो सब इसमें डाल दिया। पहले सारी आगे पड़ेगी कौन सर्विस है, जो बच गई वो सब इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अगर वो सर्विस सप्लाई करी रजिस्टर्ड पर्सन को, जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है बी टू बी में काम करने के लिए, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि सर्विस सप्लाई करेगा फिर आगे वो सर्विस सप्लाई करेगा, या फिर वो ऐसा पर्सन है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, तो क्या करना है, वेयर एड्रेस, अगर उसका एड्रेस मिल सकता है तो देखो, अगर एड्रेस मिल सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिल सकता तो क्या करें, पहले तो बात करते हैं कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई सर्विस करिए तो आप देख लो कि उस रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस क्या है, उस की लोकेशन क्या है, ठीक है। बस आप ये चेक कर लो, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस सप्लाई करी अगर आपने, तो सर्विस जिसको सप्लाई करी है उसका लोकेशन देख लो। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन पर्सन नहीं है वो, तो आपको चाहे क्या करना है, उसका अगर एड्रेस मिल सकता है तो बस आप एड्रेस देख लो किस एड्रेस पर रिसेप्टेड है। अगर एड्रेस नहीं मिल सकता तो क्या करना है, आप ये देख लो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी बोट या उसकी वेसल, मतलब कि उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ वो बैठता है, जिस जगह पे उसका ज़मीन है, जिस जगह पे उसका ऑफिस है, या जिस जगह पे वो उसका जिसका जगह पे उसका ऑफिस है, जहाँ वो बैठता है वो कहाँ पर है, बस ये देख कर लो। अगर जिस जगह पे है वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया, आउटसाइड इंडिया है तो इंडिया के बाहर बन गया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर बहुत जगह पे है, जैसे कि यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में, तो फिर तीनों में डिवाइड हो जाएगा फिर प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेट। मान लो सर्विस सप्लाई 5 लाख की करी, 1 लाख की यहाँ करी, 2 लाख की यहाँ, 3 लाख की यहाँ, तो फिर उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा कि 1 लाख का टैक्स अलग, उसका अलग, उसका अलग, समझ गए। दूसरी बात करते हैं फटाफट से, दूसरी बात यह है कि सब सेक्शन 3 में क्या बता रखा है। अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे कि आर्किटेक्ट की सर्विस सप्लाई कर रहे हो आप, इंटीरियर डेकोरेटर हो, इंजीनियर है, तो वो या तो कोई बिल्डिंग को बनाने का सर्विस दे रहा है या फिर बिल्डिंग को बेचने की सर्विस दे रहा है, तो ऐसी आप सर्विस दे रहे हो तो आपको ये यही चेक करना। अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो उसका रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस देख लो, लोकेशन देख लो, अनरजिस्टर्ड को दिया है तो उसकी लोकेशन देख लो कहाँ है रेसिपिएंट की, या फिर वही फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है उसकी, ये सब में वही रूल लगेगा, ठीक है। सर्विस और भी हो सकती है इसके अंदर, और क्या बातें कर रखी है, आप सर्विस दे सकते हो रहने वालों की, होटल की, गेस्ट हाउस वाले की, होम स्टे की, होटल वाली सर्विस दे रहे हो आप, एकोमोडेशन वाली, तो भी यही सीन लगेगा। या फिर आप सर्विस दे रहे हो मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की, कि कहीं पर रहना है जिसको कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है उसकी सर्विस दे रहे हो आप, रिसेप्शन करवाना है या फिर कोई कल्चरल फेस्टिवल फंक्शन करवाने हैं तो उसमें भी यही लगेगा। या फिर आप सर्विस एंसिलरी, इन तीनों को एंसिलरी जो करते हैं, एंसिलरी का मतलब जो मदद करती है, जैसे मैरिज फंक्शन करवाने के लिए जो कैटरिंग का काम होगा तो उसकी सर्विस दे रहे हो, तो वो थर्ड कैटेगरी में डाल दिया। कॉफ़ी शॉप, फूड, जो इनको मदद करेगी, ये तीन सर्विस देने के लिए जो सर्विस मदद करती है वो सब इसमें आ, तो सब के लिए एक ही रूल है, समझ आ गई बात। अब इसके थोड़ी आगे की बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे की सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 में क्या कह रखा है। अगर आप सर्विस दे रहे हो रेस्टोरेंट वाली, जो कैटरिंग सर्विस की बात करता है वो इसमें डाल दिया तो उसमें नहीं आएगा। रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ सर्विस, ऐसे दे रहे हो आप, तो आपकी सर्विस कहाँ एक्चुअली परफॉर्म हुई है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जहाँ सर्विस दी गई है। यूपी में दे रहा हूँ सर्विस तो यूपी ही आपका माना जाएगा। आगे कह रहा है, अगर आप कोई ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम दे रहे हो, किसी को ट्रेनिंग कर दे रहे हो, किसी की परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम दे रहे हो जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़े, तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो भैया उस लोकेशन देख रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन की। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो क्या चेक करना है, सिंपली सर्विस कहाँ एक्चुअली दी है, किस जहाँ पर सर्विस परफॉर्म हुई है एक्चुअली, वो प्लेस ही सप्लाई बन जाएगा। और अगला है कि अगर कोई आप सर्विस दे रहे हो किसी को एडमिशन कराने की, किस चीज़ में एडमिशन, कोई कल्चरल, कोई आर्टिस्टिक, कोई स्पोर्टिंग इवेंट आ रहा है, कोई इवेंट, साइंटिफिक इवेंट है कोई, या एजुकेशनल इवेंट है, एंटरटेनमेंट इवेंट है, या कोई एम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन दे रहे हो, या फिर कोई भी एंसिलरी
एंसिलरी का मतलब जो इसको मदद करती है, कोई ऐसी सर्विस। सिंपल आपको क्या देखना है कि इवेंट कहाँ हुआ, इवेंट कहाँ परफॉर्म किया गया, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर इवेंट नहीं था तो पार्क कहाँ पर है, कौन सी जगह पे आपने एडमिशन दिया, कौन वो पार्क कहाँ पर है, या फिर वो प्लेस कहाँ पर है, जिस प्लेस पे वो इवेंट कराया गया है वो प्लेस कहाँ पर है, बस। और अगला है कि अगर कोई आप सर्विस दे रहे हो ऑर्गेनाइजिंग की, एक तो है कि एडमिशन देने की, एक है ऑर्गेनाइज करवा रहे हो आप कल्चरल स्पोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशन एंटरटेनमेंट जो इवेंट है, कि कोई कॉन्फ्रेंस करवाने या आपने कोई मेला लगा हुआ है, कोई एग्जीबिशन करवाने के लिए आप कोई ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, उसकी सर्विस दे रहे हो, एक है एडमिशन की एक है ऑर्गेनाइज की। तो क्या करना है, रजिस्टर्ड रिसिप्टेंट को दे रहे हो तो उसकी लोकेशन देख लो, नहीं है रजिस्टर्ड तो भाई इवेंट कहाँ हुआ, बस सिंपल ये, हर जगह पे ये हो रहा है, इवेंट कहाँ हुआ, सर्विस कहाँ परफॉर्म की गई, बस ये चेक करना है। इसमें वो भी आ जाएगा सर्विस एंसिलरी, मतलब वही इसके जैसे अगर हमने कोई इससे मदद करी वाली सर्विस दे दी है, या फिर कोई स्पॉन्सरशिप असाइन करने की सर्विस दी है, वो भी इसमें आता है, स्पॉन्सरशिप असाइन कराया अपने इवेंट में, वो भी सर्विस दे रहे हो तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है। सिंपल ये चेक करना होता है, अगर वो बाहर इवेंट हुआ है तो फिर बाहर माना जाएगा लोकेशन, समझ रहे हो बात को। चलिए अब आगे बात करते हैं 12.8 में क्या कह रहा है, अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हो, मतलब आप सर्विस देते हो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की मेल के थ्रू या कोरियर के थ्रू, इस तरीके से आप सर्विस देते हो, ठीक है, मेल के थ्रू या फिर कोरियर के थ्रू, तो फिर आपको क्या चेक करना है कि जहाँ पर आपने रजिस्टर्ड रिसिप्टेंट को दिया है उसके लोकेशन देख लो, नहीं पता तो गुड्स जहाँ पर हैंड ओवर किया उसको वो देख लो, ठीक है ना, गुड्स को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हो ना मेल के थ्रू कोरियर के थ्रू, तो जहाँ पर उस गुड्स को हैंड ओवर किया है वो देख लो, तो यानी कि मेल और कोरियर की सर्विस आ रही है यहाँ पर। और अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो, मतलब पैसेंजर को इधर से उधर ले जाना, जैसे टैक्सी ड्राइवर ये सब चीज़ आती है जो इसमें आ गया हो, रजिस्टर रिसिप्टेंट देख लो भाई उसकी लोकेशन का है, जिसको सर्विस दी वो कहाँ का रहने वाला है लोकेशन देख लो, या फिर रजिस्टर नहीं है तो आपको ध्यान से देखना है जहाँ पर आपने उसको राइट दिया था पैसे इम्बार्ट राइट कर दिया, इम्बार्ट का मतलब जहाँ से कहा था कि आपको यहाँ से बैठना है, इम्बार्ट का मतलब आपको आपको पहले ही बता दिया था फ्यूचर यूज़ में कि आपको ना यहाँ से बैठना है, यहाँ से बैठना है, तो फिर वही प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपको रजिस्टर्ड उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं पता, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा GST में, तो आपको क्या करना सिंपल, कहाँ से उसको बैठने को कहा था कि भाई मैं तेरे को ना यहाँ से पिकअप करूँगा, तो ये हो गया। अगर ये नहीं पता कहाँ से पिकअप करूँगा, इफ़ इम्बार्केशन इज़ नॉट नोन, तो फिर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 का प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। सिंपल वही जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि भाई उसकी लोकेशन देख लो, रिसिप्टेंट कहाँ का है नहीं पता तो भाई आप देख लो कि सर्विस कहाँ परफॉर्म हुई, सिंपल सर्विस कहाँ परफॉर्म हुई, यानी कि कहाँ से उसको उठाया गया। अगर पहले से तय नहीं था कहाँ से उठाना है तो आप भाई चेक करना है कहाँ से उठाया गया, बस आपको ये नहीं चेक करना, देखो रिटर्न जर्नी चेक नहीं करनी कि कहाँ से रिटर्न जर्नी, मतलब जहाँ उसको उतारा वहाँ से पिकअप किया, ये नहीं चेक करना, रिटर्न जर्नी चेक नहीं करनी, जो स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई जर्नी की, बस आप वो चेक कर लो, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगला है कि भाई अगर आप किसी को बोर्ड करने का काम करते हो, जैसे कि किसी को कोई जहाज़ पर चढ़ाने का, एयरक्राफ्ट पर चढ़ाने का, मोटर व्हीकल पर चढ़ाने का, कि पैसेंजर को चढ़ाने का काम करते हो बोर्ड करने का, तो भैया आप देख लो कि वो जो कन्वेंस, जो जिस कन्वेंस पे आपने उसको चढ़ाया है उसके डिपार्चर पहली डिपार्चर कब हुई, उसको डेली जाना होता है मान लो, तो उसकी पहली डिपार्चर कब हुई थी उसका सप्लाई देख लो, बस प्लेस ऑफ सप्लाई तो काम हो गया, वही आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मिलेगा। अगला है टेली कम्युनिकेशन लाइन को आप फिक्स करने का काम करते हो, ये सर्विस दे रहे हो टेली कम्युनिकेशन, यानी कि मोबाइल नेटवर्क वगैरह, लीज सर्किट, इंटरनेट, जो इंटरनेट की केबल लगवाते हो आप, इंटरनेट केबल्स का काम कर रहे हो, डिश एंटीना लगवाते हो आप, ये वाली सर्विस दे रहे हो आप, इंटरनेट लीज सर्किट, लीज सर्किट वाली लाइन, तो भाई आपको देखना है कि कहाँ पर उसको इंस्टॉल किया गया, वो सर्विस जो आपने दी, वो जो डिश एंटीना लगाया वो किस जगह पे लगाया, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, बस सिंपल। अगर आप पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन की सर्विस देते हो, पहले तो है कि आप केबल बिछाने का काम कर रहे हो, वो कहाँ बिछाई गई, एक है कि पोस्ट पेड सर्विस दे रहे हो मोबाइल कनेक्शन की, तो देख रहे हो कि भैया उसका जिसको सर्विस दी उसका बिलिंग एड्रेस क्या है, तो बिलिंग एड्रेस तो होगा ना उसका, जो आपने सर्विस दी होगी बिल बनाया होगा उसका बिलिंग एड्रेस देख लो, वही प्लेस ऑफ सप्लाई, समझा रही बात। चलिए देखते हैं एक और अगला, थोड़ा अगला सेक्शन सी में क्या रखा था कि अगर आप प्री पेमेंट, पहले तो पोस्ट पेमेंट,
ठीक है, एक है प्री पेमेंट, पहले पेमेंट जिसमें देनी पड़ती है मोबाइल कनेक्शन डीटीएस सर्विस में, तो उसमें अगर वो सर्विस दे रहे हो तो आपको देखना है कि भैया लोकेशन सेलिंग एजेंट का है, जो सर्विस दे रहा है वो बेचने वाला जो एजेंट है उसका लोकेशन क्या है, या डिस्ट्रीब्यूटर जो दे रहा है सर्विस या जो रीसेलर दे रहा है उसका लोकेशन क्या है। अगर वाउचर के थ्रू बेची जा रही है सर्विस, क्योंकि वाउचर के थ्रू बेच सकते हैं ना, वाउचर होता है उसके थ्रू आपको रिडीम करना है, तो वाउचर के थ्रू बेची जा रही है तो फिर आपको देखना है कि फाइनल सब्सक्राइबर को दी जा रही है, तो प्री पेमेंट जो सब्सक्राइबर ने दी वो कहाँ थी, उसकी लोकेशन क्या है। बस पहले तो लोकेशन देखनी थी, अगर वाउचर के थ्रू बेची जा रही तो पेमेंट उसने कहाँ करी है, ठीक है, या फिर जो वाउचर कहाँ बेचा गया, ये दोनों पता चल जाए तो काम हो गया। और लास्ट है इसमें 12, 11 वाले सेक्शन चल रहे थे अभी तक, उसका अगला है कि बाकी जो सर्विस टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी, बाकी पहले हमने समझा लीज कनेक्शन, फिर वो पोस्ट पेड, फिर ये, और बाकी जो भी सर्विस बच गई टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपको सिंपल क्या करना है, रिसिप्टेंट ऑफ सर्विस का एड्रेस देखो, नहीं पता तो सप्लायर का प्लेस देख लो कहाँ है, बस तो हो गया काम। अगला है 12 वाला, बैंक अगर कोई सर्विस दे रहा है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है तो उसको इस सेक्शन में डाला गया है, उसमें आपको भी ये चेक करना है कि रिसिप्टेंट सर्विस जिसको दी जा रही है उसका रिसिप्टेंट, उसका एड्रेस क्या है, अगर नहीं पता तो फिर सप्लायर जो सर्विस दे रहा है उसका एड्रेस क्या है। इंश्योरेंस सर्विस 13 में डाला हुआ है, उसका भी क्या कहते हैं रिसिप्टेंट का एड्रेस देख लो, अगर वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लायर के रिकॉर्ड में जो इंश्योरेंस दे रहा है उसके रिकॉर्ड में उसका एड्रेस कहाँ लिखा गया, क्योंकि रिकॉर्ड भी तो होगा सप्लायर का, उसका रिकॉर्ड देख लो उसमें कहाँ लिखा गया रिसिप्टेंट का एड्रेस, वही उसका एड्रेस बन जाएगा। और लास्ट है इसमें, अगर कोई आप एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहे हो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, तो फिर वो जो जिसको भी गवर्नमेंट को दे रहे हो उसका ऑफिस कहाँ है, उसकी ऑफिस की लोकेशन क्या है। बस तो ये आज हमने इतना ही कवर करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई की सेकंड वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत बड़ी होगी लेकिन टॉपिक ही बहुत बड़ा है, तब भी मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके बताया, लेकिन बताया आपको सारा ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये तो बात करेगी दोनों की जब लोकेशन इंडिया में होते हैं, बाहर अगली वीडियो में बात करेंगे जब बाहर होती है लोकेशन, सेक्शन 13 उसकी बात करेंगे, और फिर स्पेशल प्रोविज़न क्या है सेक्शन 14 में उसकी भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बस GST की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, सारी आपको वीडियोस मिलती रहेगी, GST की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।